जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर कल अपडेट कर दिया था कि कोइनेक्स ने अपना ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप लॉन्च कर दिया है, और उसके लिए दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाके आपको टाइप करना है कोइनेक्स। और एक बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोइनेक्स के ऐप हैं, तो आपको बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे बहुत सारे ऐप है जिसे जो कंपनी का ऑफिशियल नहीं है। तो ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये जैसे आप यहाँ पर कोइनेक्स टाइप करते हैं तो जल्दी से ऊपर नहीं आता है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आप डायरेक्टली जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे, और सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको इसका जो यूआई है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और जैसे देखिए कंपनी ने कल ही लॉन्च किया है इसे, और एक अपडेट भी आ चुका है, और उन्होंने दावा किया है कि अब जो नेक्स्ट जो लॉन्च होगा वो iOS के लिए होगा, और जो बहुत जल्दी होगा। कोइनेक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले भी थी, अब ये देखना है कि ऐप में ये किस तरह का इसका लुक उसका लुक है और किस तरह ये काम करता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको। मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा नहीं, बस अकाउंट सेटअप कैसे करना है इसके ऊपर, ये किस तरह इसके फंक्शंस काम करते हैं वो इस वीडियो में आप सबसे बात करने जा रहा हूँ। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट टाइम है, अभी तक मैंने इस पर आईडी वगैरह इस पर लॉगिन नहीं किया है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देता है साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट का। तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी जो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो डाल सकते हैं। अगर आपका आईडी नहीं है तो आप इसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पे आप इसे टच कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको डालना है एक ऑथेंटिकेटर ओटीपी जो आपको मिलेगा गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में, तो वहाँ जाइए और फटाफट इसके अंदर अपना वो जो ओटीपी है वो डाल दीजिए। ये आपको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, अगर आपका पासवर्ड या ईमेल आईडी भी किसी के पास चले आता है तो बिना ऑथेंटिकेटर ऐप के वो इसे बाय नहीं कर सकता है, बिना ऑथेंटिकेटर ऐप के वो इसे लॉगिन नहीं कर सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक 4 डिजिट का आपको अपना एम पिन क्रिएट करना होगा, जो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपना फिंगरप्रिंट एनेबल करना चाहते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली से कर लीजिए, इस अच्छा रहेगा। और दोस्तों इस तरह का आपको इसका इंटरफेस मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईथर की वैल्यू कितनी है, बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है, लाइटकॉइन की कितनी है, और उसके बाद नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं मार्केट ट्रेड वॉलेट। तो मार्केट में अभी जो खुला हुआ है जो इंटरफेस वो उसका मार्केट का है, उसके अगर ट्रेड पर जब टच करते हैं तो इस तरह आपको दिखाई देता है। ओपन ऑर्डर्स है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, सेल करने का जो ट्रेड चल रहा है, और राइट साइड में यहाँ पे आपके पास कितना वॉल्यूम में कॉइन्स है उनका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों वॉलेट का, यहाँ पे आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं आपके पास कितना बैलेंस है। हालांकि मैं कभी इस पे ट्रेड नहीं करता हूँ इसलिए यहाँ पे सारा कुछ मेरा 0 है। उसके अलावा अगर आप लेफ्ट साइड टॉप पे जाएंगे जहाँ पे 3 लाइन बनी हुई है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। आप देखिए आपको आपकी कोइनेक्स आईडी मिलती है, यहाँ पे माई ट्रेड हिस्ट्री, वॉलेट हिस्ट्री, सिक्योरिटी, हेल्प एंड डेस्क और लॉगआउट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये आपको नोटिफिकेशन का जो ये बेल जो है ये नोटिफिकेशन के लिए है, यहाँ पे अपडेट्स के लिए है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आर ओपन, तो आप अपना अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप जाके इस पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो अपडेट है वो यही है कि ऑफिशियल कोइनेक्स मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मंडे को लॉन्च कर दिया गया है। और यहाँ पे आपका प्राइस अलर्ट, अगर आपको कोई प्राइस अलर्ट चाहिए तो वहाँ पे आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि 4,80,000 पे बिटकॉइन आप चाहते हैं देखना तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको टच करना है प्लस पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं BTC को टच कर लेता हूँ और अब ही रहने देते हैं प्राइस इन INR। आप चाहते हैं कि जो प्राइस है इसकी वो एक बार फिर से चार लाख पे कर दे सबमिट,
तो जैसे ही ये 4 लाख पे जाएगा तो ये आपको अपडेट कर देगा, उस समय अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। तो ये देखिए हाई मोनेश BTC लास्ट ट्रेड प्राइसेस 5,59,000, तो एक ऐसा अपडेट आएगा प्राइस रेट का आपको आता रहेगा। तो अच्छा बनाया है काफ़ी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इन्होंने अपना लिंक भी दिया हुआ है कि आप जैसे है, तो मैं आपको भी अपना तो मैं भी आपको एक लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप क्लिक करके ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और जितने फेक ऐप्स हैं या फेक नहीं है, जो जिन्होंने बनाए हुए हैं, एड्स चला रहे हैं, मोनेटाइज करके पैसे बना रहे हैं, उन ऐड से आप दूर रहिए, क्योंकि इस तरह के ऐप में आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा यूज़र फ्रेंडली होता है, कस्टमर के लिए होता है। यहाँ पे आपको वॉलेट हिस्ट्री मिलता है कि आपने क्या किया था। तो मैंने बस पैसे डाले थे, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ ट्रेड नहीं किया था, कुछ बाय नहीं किया था, वहाँ से फिर मैंने से चुपचाप से विड्रॉ कर लिया था अगले 24 घंटों के अंदर ही, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी उस समय। उसके बाद सिक्योरिटी का ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा IP एड्रेस है, कहाँ कहाँ पर मैंने लॉगिन किया है, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट सपोर्ट है यहाँ पर, तो अगर आपको आपका जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो KYC का हो, आईडी डिपॉजिट विड्रॉल बैंक डिटेल चेंज, जो भी है वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं अपने प्रॉब्लम के बारे में और सेंड कर सकते हैं। हालांकि मैंने सुना है कि इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो उतना अच्छा नहीं है, उम्मीद है कि ये शायद अच्छा करेंगे। अगर ये नहीं करते तो इनको ही बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा जो यूज़र इनके पास है वो उनके यहाँ से चला जाएगा। और उसके बाद लास्ट में उनका हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन आता है, जो कि ऐसा है आप पढ़ सकते हैं, उतना कुछ खास नहीं है। रिफंड पॉलिसी के बारे में बताया गया है, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताया गया है, फीस के बारे में बताया गया है, वो सब है। और स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, ट्रेडिंग हिस्ट्री है, कौन कौन सा आपने बाय किया है वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। हालांकि मैंने अभी तक कुछ बाय नहीं किया है, ETH में जाके देखते हैं तो देखिए कुछ भी मैंने बाय नहीं किया, इसलिए कुछ शो नहीं करेगा। और सबसे ऊपर में हमारा आपका पर्सनल डिटेल रहेगा उसके अंदर, तो ये है आपका। तो इस तो जो ओवरऑल दोस्तों जो मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा कुछ दिया गया है इसके अंदर, बहुत नॉर्मल सा है, UI बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे देखिए रिपल 66 पे काम कर रहा है, बिटकॉइन कैश 82 पे काम कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अब यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं ज़ेप्पे पे, जहाँ पे ज़ेप्पे पे भी ऑलमोस्ट सारे कॉइन आपको मिलते हैं, बस इथेरियम छोड़ के वहाँ भी बिटकॉइन है, लाइट कॉइन है, रिपल है, बिटकॉइन कैश है। और जैसा कि ज़ेप्पे काम कर रहा है, इथेरियम को भी बहुत जल्द लेके आने वाला है, दो इंडियन एक्सचेंज पे आपको बहुत सारे कॉइन्स मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहेगा। और उम्मीद है कि इसमें जो जीत हो वो कंज्यूमर्स की हो, वो कस्टमर्स की हो, आप जैसे मुझ जैसे लोगों की हो। और एक अच्छा, बहुत से लोग जो इंटरनेट एक्सचेंज पे जाते हैं वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर उन्हें सस्ते मिलता है और फिर वापस यहाँ पर आते हैं सेल करने के लिए, ताकि उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो। मैं बस चाहूँगा कि ये सारे एक्सचेंज उसी रेट पर यहाँ भी अगर वो रेट पर हमें शो करे, तो बहुत सारे यूज़र जो इंडियंस हैं वो यहाँ से वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा दिन बहुत जल्दी आ जाए, तो हमें सबके लिए वेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोइनएक्स के बारे में अगर आपके पास कोई डाउट है, सवाल है, सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं या फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।